पेट्रोल तो हर जगह होगा, ठीक हो गया, अनटिल अनलेस कि आपको इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं तो उसको बाय करते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऑक्शंस का है, ठीक है। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हाजिर हैं आज एक और वीडियो के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान रजा और आज हम करने लगे इनकी गाड़ी का रिव्यू। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, मेरा ये अखलाकी फर्ज बनता है कि मैं डिस्क्लेमर दूँ। थैंक यू सो मच सुनील भाई फॉर प्रोवाइडिंग अस एन अपॉर्चुनिटी लाइक पार्क व्हील्स, जिसके ऊपर आप गाड़ियों का रिव्यू डालते हैं और फिर एक प्रॉपर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम गाड़ियों की सेल्स परचेज कर सकते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। थैंक यू सो मच सलमान फॉर गिविंग अस टाइम। नो वरीज। हमारे व्यूज के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें। गाड़ी का जो मेक है वो फोर्ड की गाड़ी है, फोर्ड फोकस 2012 मॉडल है और 1.6 लीटर है। ठीक है, तो ये गाड़ी आपको कितने में यहाँ पे कॉस्ट की है? मुझे अराउंड 7 to 9,000 की पड़ी है ये गाड़ी। टोटल इनिशियल कॉस्ट मिला के फिर जो बाकी परचेज टाइम पे बाकी एक्सपेंसेस होते हैं सब ऐड अप करके। ठीक है, तो इस बजट में आपके पास और किस किस गाड़ी की ऑप्शन थी? यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आपको सेवरल डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकती हैं। टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियाँ जो आपको इस बजट में मिल जाएंगी। ठीक है, यूज्ड कार्स में, मोस्टली यूज्ड कार्स में मिलेंगी, डिपेंडिंग है गाड़ी चली हुई कितनी है। ठीक हो गया, तो ये गाड़ी कितना चली हुई है? ये चली हुई है 147, 1,47,000। ठीक है, तो इस गाड़ी को लेने की कोई खास वजह? बजट को देखते हुए गाड़ी अच्छी है, क्योंकि अगर आपको 2012 मॉडल गाड़ी चाहिए तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, बट फोर्ड की गाड़ियाँ कंपैरेटिवली मार्केट में हाई मॉडल की गाड़ी भी अराउंड आपको थोड़े चीप बजट में मिल जाती है। ठीक हो गया, अगर हमारे व्यूज के लिए आप ये बता दें कि यहाँ पे गाड़ी बाय करने का प्रोसेस कैसा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप बाय करते हैं अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेते हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करने का, या यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम गाड़ी को बाय कर सकते हैं? गाड़ी बाय करना रिलेटिवली इजी है यहाँ पे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन अवेल करते हैं। गाड़ी परचेज करने के 3 मेन ऑप्शंस हैं। एक तो वही है जो पाकिस्तान में है कि आप गाड़ी प्राइवेटली बाय कर सकते हो, आप एड देखते हो और जो भी गाड़ी आपको समझ आती है आप उसका बाय करते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऑक्शंस का है, ठीक है। 2 to 3 मेजर कंपनीज हैं जो जिनकी ऑक्शन वीकली बेसिस पे होती है, तो अगर आपको मार्केट से थोड़ी चीप गाड़ी चाहिए तो आप वो ऑक्शन से उठा सकते हो, बट अगेन ऑक्शन का थोड़ा सा इशू गाड़ी की रिलायबिलिटी का होता है, ठीक है, बट जनरली गाड़ी ऑक्शन में भी ठीक मिलती है। तीसरी ऑप्शन आपके पास फाइनेंस की है। सिर्फ फाइनेंस में थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि आप या तो PR के पे हो या फिर यहाँ के नेशनल हो। कुछ फाइनेंस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो कि टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स को भी फाइनेंस पे गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये 3 मेन ऑप्शन हैं आपके पास जिनके थ्रू आप गाड़ी यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ठीक हो गया, तो जो ऑक्शन होती है उसमें आप लाइव होती है या ऑनलाइन? देखिए मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि पहले ये लाइव होती थी, तो अभी जो मेरा ख्याल है ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन गाड़ी बाय करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है, पहले लाइव होती थी बट कोविड में ये लोग ऑनलाइन पे गए थे और कोविड के बाद से फिर अभी जितनी ऑक्शंस हैं वो सब ऑनलाइन कंडक्ट होती हैं। ठीक हो गया, अगर कोई बंदा गाड़ी प्राइवेटली बाय करता है या ऑक्शन के थ्रू करता है या फिर वो फाइनेंस के थ्रू लेता है, तो उसको जो ट्रांसफर करवाना है अपने नाम पे, तो उसका प्रोसीजर सेम है या वो भी वेरी करता है? प्रोसीजर उसका काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रोडवर्दी सर्टिफिकेट। जब भी आप गाड़ी परचेज करके गाड़ी ट्रांसफर करवाने जाओगे अपने नाम पे, तो ट्रांसफर के साथ आपको वो रोडवर्दी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। रोडवर्दी सर्टिफिकेट होता है बेसिकली ये कि आप गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाते हो जो स्टेट रजिस्टर्ड मैकेनिक होता है, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो RWC प्रोवाइड करे। आप उसके पास गाड़ी लेके जाओगे, वो गाड़ी चेक करेगा मैकेनिकली जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंगली, उन स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा। गाड़ी आपकी अगर उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हुई तो फिर उसके बाद वो आपको RWC सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो आप अपने, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराने जाओगे। ठीक होगा, तो ट्रांसफर के लिए यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट जो इनका है प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन, उसका कोई नाम? विक रोड्स है। विक रोड्स बेसिकली विक्टोरिया का जो अथॉरिटी है जो इन सब चीज़ों को डील करती है वो विक रोड्स है, वही आप ट्रांसफर में काम आएगी। वही नंबर, अगर अनरजिस्टर्ड गाड़ी है तो नंबर प्लेट्स में आपको उनके पास जाना है तो
बेसिकली उन सारी चीजों के लिए विक रोड्स है। ठीक है, आप जो कि हम बात करते हैं गाड़ी बाइक करने की, गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराने की, तो इसी से लिंक सवाल है, यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट है गाड़ी की उसमें कोई मेजर कॉस्ट जो इंक्लूडेड है या जो इन्वॉल्व है, अगर आप वो बता दें कि कौन कौन सी कॉस्ट है गाड़ी की रनिंग कॉस्ट में। पेट्रोल तो हर जगह होगा, ठीक हो गया, अनटिल अनलेस कि आपको इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं वो आपको 8,000 में मिलेगी नहीं, ठीक हो गया, तो एक पेट्रोल, उसके बाद दूसरा यहाँ पर रेजो रजिस्ट्रेशन जो होती है गाड़ी की, पाकिस्तान में तो एनुअली जाता है, यहाँ पे ऑप्शन होती है आपके पास, आप एनुअली जमा कराएं या 3 महीने की रेजो लें या 6 महीने की रेजो लें, वो जाती है। और उसके अलावा इंश्योरेंस गाड़ी की, कार इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, रूल नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवा के उसके बाद गाड़ी आप रोड पे निकालें। ठीक हो गया, तो बाकी जिस तरह आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्राइस होती है, तो वो प्राइस फिक्स है? जो रजिस्ट्रेशन की प्राइस है वो 3 मंथ्स की $214 है, और इसी तरह 6 मंथ्स की है, आई गेस 12 मंथ्स की $800 something है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको 3 महीने की करानी है या अगर आपने लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पूरे साल की जमा करा लें ताकि आपको फिर पूरे साल दोबारा उसकी पेमेंट्स ना करनी पड़े। तो ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो इसका आइडिया ये हुआ मुझे कि अराउंड 70 से 75 डॉलर्स के बीच में जो है वो पर मंथ कॉस्ट है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की। पर मंथ 70-75 डॉलर्स पड़ती है, बट देन अगेन आप उसको 3 मंथ्स की बेसिस पे जमा कराते हो, मंथली ऑप्शन की, मंथली ऑप्शन विक्रोट में है नहीं, तो 3 मंथ्स की बेस पे $215 है रेजो की। इंश्योरेंस में डिपेंड करती है, सेवरल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी एंड थेफ्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, तो वो उस इंश्योरेंस की कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आपकी इंश्योरेंस किस टाइप की है। ठीक है, आपने चीज मेंशन की कि जो इंश्योरेंस है यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है, तो इस रिकमेंडेशन की कोई खास वजह? वजह इसकी ये कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट जो आपकी कॉस्ट, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो फिर जिस गाड़ी के साथ आपका जो दूसरी गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जितनी रिपेयर्स की कॉस्ट है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप, और अगर आप गलती पे हैं, तो फिर आपको दोनों गाड़ियों की कॉस्ट आपको खुद पे करनी है। दूसरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसमें इंश्योरेंस कंपनी दोनों गाड़ियां कवर करती है, आपकी गाड़ी भी और जो दूसरी गाड़ी जिसके साथ खुदा ना खास्ता गाड़ी लगती है, तो वो दोनों रिपेयर्स कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक हो गया, एक जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से हूँ, उसमें ये है कि हमारे पास तो या होंडा ब्रांड है या फिर हमारे पास टोयोटा होता है या फिर सुजुकी होता है, ये वो ब्रांड है फोर्ड जो पाकिस्तान में नहीं है, तो जब आप इसको ले रहे थे तो आपके जहन में कोई डर, कोई सवाल था ये लेने से पहले, या इस तरह की कोई चीज़ थी कि आपने इसको क्यों ऑप्ट किया, ऐसी क्या प्रेफरेंस थी, या जाहिर सी बात है जो नई चीज़ होती है इंसान डरता है कि यार मुझे इसको आजमाना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए, तो कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ गाड़ी में जो डिफरेंट थी जिसने आपको पुश किया कि यार मैं ये गाड़ी प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू टोयोटा या होंडा? अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं गाड़ियों के, यहाँ पे जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जैसे ये फोर्ड है, मज़दा है, होंडाई की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो जहाँ तक फोर्ड की बात है, फोर्ड लेते क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में तो गाड़ियों का आइडिया हो जाता है। फोर्ड का थोड़ा सा इशू जो मैंने, जो मुझे सुनने में आया था और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस भी है, फोर्ड का थोड़ा सा इशू निकलता है ट्रांसमिशन का, फोर्ड की ट्रांसमिशन इतनी रिलायबल नहीं होती, बट मैंने पर्सनली यहाँ पे फोर्ड की ऐसी गाड़ियाँ भी देखी हैं जो 5-6 लाख चली हुई है, 5-6 लाख किलोमीटर फोर्ड की गाड़ियाँ मैंने देखी हैं, और टोयोटा की गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने खुद देखी हैं कि वो 5-6 लाख गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि या तो बंदा टोयोटा ले या फिर बंदा फोर्ड ले, तो इसीलिए अभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर कोई स्टूडेंट आता है ऑब्वियसली बात है उसके पास 7-8 हज़ार डॉलर नहीं होते, जब मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था तो मैं भी 3,000 का बजट लेके आया था, तो अगर मेरे पास 3-4 हज़ार डॉलर हो तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि मुझे कौन सा ब्रांड टारगेट करना चाहिए और कौन सी गाड़ी है वो लेनी चाहिए? अगर तो मतलब रिलायबल, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट रिलायबल गाड़ी पे जाएगा, सबसे ज्यादा रिलायबल गाड़ियां यहां पे टोयोटा की हैं, अगर आप उस बजट में कहते हैं तो डिपेंड करता है, टोयोटा इको सबसे रिलायबल कार है और स्टूडेंट्स में सबसे पॉपुलर कार टोयोटा इको है, एक रीज़न कि सस्ती है, दूसरी रीज़न उसकी जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो बहुत अच्छी है। दूसरी गाड़ी आपको अगर आप देखें तो होंडाई गेट्स है, होंडा जैज है, मज़दा की गाड़ियों में अगेन वो पेट्रोल कंजम्पशन के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, बट रिलायबल गाड़ियों में एक मज़दा 3 एक गाड़ी है, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं अगेन 3-4,000 के बजट में आपको ये वाली गाड़ियाँ आराम से मिल सकती हैं। ठीक हो गया, जैसे कि हमारी पहली वीडियो इन रिगार्ड टू आपके कार रिव्यूज़ या फिर ऑस्ट्रेलिया की गाड़ियों के हिसाब से, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि
यहाँ की ड्राइविंग में और पाकिस्तान की ड्राइविंग में कोई फ़र्क है? पाकिस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव है, तो यहाँ पे इस तरह मैं देख रहा हूँ कि आप भी राइट हैंड ड्राइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला मसला तो नहीं हुआ कि लेफ्ट हैंड ड्राइव होगी। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपने नोट की हो जो वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में फ़र्क हो? यहाँ है तो राइट हैंड ड्राइव फोर्ड की, बाकी सब गाड़ियाँ सेम है। फोर्ड की एक डिफरेंट चीज़ ये है कि फोर्ड का जो इंडिकेटर है वो लेफ्ट साइड पे, जो वाइपर्स है वो राइट साइड पे, नॉर्मली उल्टा होता है, इंडिकेटर्स आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं और वाइपर लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, इसमें डिफरेंट है। अच्छा, तो सलमान इसके साथ साथ आप मुझे यहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट बता दें, जो गाड़ी बंदा रखता है तो उसकी यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या क्या आती है? मेंटेनेंस कॉस्ट बेसिकली तो वही है जो पाकिस्तान में आपको ऑयल चेंज वगैरह करवाना होता है। एक डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में ऑयल चेंज होता है वो 5000 किलोमीटर भी होता है, यहाँ पे डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आप 10000 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद आपको ऑयल चेंज कराना होता है बिकॉज इन्वायरमेंट की वजह से, गाड़ियों की क्वालिटी की वजह से। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये होगी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसके अलावा आप ये बता दें कि जो यहाँ पे ट्रैफिक लॉज हैं उसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर दें। ऑब्वियसली बात है जो व्यूअरशिप है वो डिफरेंट, आप कह रहे सब कॉन्टिनेंट से या डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे, तो जो लोग यहाँ पे आएंगे आइदर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक के लॉस क्या, तो अगर उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, बेसिकली ट्रैफिक, गाड़ी पहले रोड पे निकालने के लिए आपको चाहिए होता है लाइसेंस। ठीक हो गया। लाइसेंस लेने का तरीका यहाँ पे और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में बेसिकली आपने टेस्ट देना है और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है लाइसेंस इशू करने से पहले। आपने यहाँ आने से पहले अपनी होम कंट्री में कितनी गाड़ी चलाई हुई है, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, उसको देखते हुए आपको रेड पी या ग्रीन पी लाइसेंस इशू होते हैं। यहाँ पे फुल लाइसेंस का प्रोसेस ये है कि आपके तीन टेस्ट होते हैं बेसिकली। पहला होता है नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको कुछ MCQs होते हैं उनको आंसर करना होता है, उसमें पासिंग रेट होता है 78%। आपको मिनिमम 78% उसको स्कोर करना होता है उस पास को, उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरा जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है हैजर्ड टेस्ट, वो बेसिकली वो भी ऑनलाइन टेस्ट ही होता है। पहले होता था हैजर्ड टेस्ट के लिए आपको सेंटर जाना पड़ता था, अब हैजर्ड टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होता है, वो घर बैठ के वो दे सकते हैं। तीसरा टेस्ट होता है वो फुल ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें अगर आप इंस्ट्रक्टर को साथ बिठाना चाहें तो आपका इंस्ट्रक्टर साथ बैठता है और जो आपका टेस्ट ले रहा होता है वो पीछे बैठता है। अगर इंस्ट्रक्टर नहीं है तो ज़ाहिर है जो टेस्ट ले रहा है वो आपके साथ में बैठता है, वो आपका फुल ड्राइविंग टेस्ट लेता है। आपको वो बेसिकली ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स की ड्राइव पर लेके जाता है, वहाँ पर आपको चेक करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, आप रूल्स किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, स्पीड लिमिट पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मिरर्स आपने कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है रिवर्स पार्किंग। रिवर्स पार्किंग अगर आपको नहीं आती, आप पूरी ड्राइविंग सही से, एक स्टेज ऐसी आएगी कंफर्म जिसमें वो आपको कहेगा कि आप गाड़ी साइड पे कहीं रिवर्स पार्क करके पार करें। अगर आप उसमें फेल हो जाएंगे तो बेसिकली आपने जो पिछली ड्राइविंग की हुई है उसका इतना फायदा नहीं होगा। अगर आपने वो टेस्ट फेल कर दिया, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपका पूरा टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक हो गया। रिवर्स पार्किंग हुई है जो आप पैरेलल जाते हैं और फिर रिवर्स करके उस गाड़ी को पार्क करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ चीज मेरे को नोट किया वो ये कि जिस तरह मैं गाड़ियां देख रहा हूँ, हमारे तो होता है ना पाकिस्तान में जिस तरह मर्जी गाड़ी पार्क कर दे, यहाँ पे मैंने देखा अगर एक गाड़ी का फेस टुवर्ड्स आप कह लें टुवर्ड्स नॉर्थ है तो सारी गाड़ियां स्ट्रीट में टुवर्ड्स नॉर्थ ही पार्क होती है, तो ये चीज मुझे यहाँ बड़ी अच्छी लगी है। तो अगर बिलफर्स में इसको फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर कोई फाइन का चांस होता है अगर सबका फेस उस तरफ है और मेरी गाड़ी का फेस इस तरफ है? उस पर फाइन के बिल्कुल चांसेस होते हैं। अच्छा, फाइन का यहाँ पे ये कि एक तो फाइन आपको जो पे करना पड़ता है बोला कि फिर यहाँ पे डीमेरिट पॉइंट्स का सिस्टम है। एक फुल लाइसेंस पे एक बंदे के पास 12 डीमेरिट पॉइंट, सॉरी टोटल पॉइंट्स होते हैं 12 एक लाइसेंस पे। ठीक है। उस पे जब भी आप कोई लॉ ब्रेक करोगे तो उस पे डीमेरिट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सिग्नल ब्रेक करते हो तो उस पे डीमेरिट पॉइंट्स हैं। अगर आप स्पीड लिमिट एक्सीड करते हो तो अगर आप विद इन, जैसे फॉर एग्जांपल 50 का जोन है और आप 60 के अंदर जा रहे हो तो आप पे एक डीमेरिट पॉइंट लगेगा। ठीक है। अगर आप 60 से ऊपर जा रहे हो तो 3 डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे डीमेरिट पॉइंट का सिस्टम है। और अगर आपने 12 डीमेरिट पॉइंट्स अपने जो है वो एग्जॉस्ट कर दिए, ठीक है, तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। ओके, तो इसका भी कोई डिनर होता है कि कितने टाइम के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा या डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ ऑफेंस होता है? डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ ऑफेंस होता है। इसमें फिर ये है कि हर ऐसा नहीं है कि अगर डिमेरिट लग गया तो वो लाइफ टाइम डिमेरिट पॉइंट्स आपके रहेंगे, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो पिछले डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिमेरिट एक लाइसेंस पे लग गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा।
ठीक हो गया। और अब जो न्यूज़ या जो खबरें आजकल चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जो भी ओवरसीज से आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टेम्परेरी वर्क वीज़ा होल्डर्स आ रहे हैं, तो वो अपने लाइसेंस के ऊपर 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो जब आप आए थे तब ये लिमिट थी या तब कोई लिमिट नहीं थी कि आप अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए गाड़ी चला सकते थे? तब भी ये लिमिट थी, तब आई गेस मुझे क्लियरली रिमेम्बर नहीं है, बट आई गेस 1 साल का टाइम था। इवेंचुअली ये होता है कि आपको 6 महीने या 1 साल हो, या आपको यहाँ पे इनका जो अपना लाइसेंस, हर स्टेट का अपना लाइसेंस है, जो भी आप होम कंट्री का लाइसेंस लेके आ रहे हैं उस पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिस पे आपने गाड़ी चलानी है, उसके बाद आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा इन एनी केस। ठीक होगा। और बहुत सारे जो मेरी व्यूअरशिप है डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स से लेंगे, तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है वो ये कहते हैं कि अगर हमारा ओवरसीज लाइसेंस है तो उसके ऊपर क्या हम ऊबर ईट्स वगैरह कर सकते हैं, जो डिफरेंट फूड डिलीवरी सर्विसेज वगैरह हैं? ऊबर ईट्स आप कर सकते हैं उसके ऊपर। ऊबर ऊबर के दो टाइप्स है, एक ऊबर ईट्स है, एक ऊबर एक्स है जो पैसेंजर रिलेटेड है। ऊबर ईट्स पे आप कर सकते हैं अपने होम कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस पे, ऊबर एक्स आप नहीं कर सकते। ऊबर एक्स करने के लिए आपको यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जरूरी है। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच सलमान आपके टाइम का, आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों को जो है इसमें हेल्प मिली होगी। डेफिनेटली जो यहाँ आना चाहते हैं उनको किस तरह लाइसेंस लेना है, क्या रनिंग कॉस्ट है, क्या क्या, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे जो है वो ड्राइविंग के जो ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर हमें किस तरह के फाइन लग सकते हैं। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच अगेन आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैसे आ रहे हैं?